कर्मचारियों की मांगों के निराकरण को लेकर निगम आयुक्तों को ज्ञापन दिया गया, जिसमें 5 प्रमुख मांगे रखी गई। इंदौर सफाई कामगार कर्मचारी यूनियन द्वारा आज निगम आयुक्त को कर्मचारियों की मांगों के निराकरण के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में समयमान वेतनमान का लाभ, समस्त कर्मचारियों के सातवें वेतनमान, लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण को शीघ्र निराकरण किया जाए, सफाई कार्य में ठेकेदारी प्रथा बंद किए जाने जैसे प्रमुख मांगों को लेकर ये ज्ञापन दिया गया। बताए आज सिंगा श्रीवास्तव जी से आप मिले हैं, तो क्या 5 मांगे? सफाई कामगारों की विगत 4 माह से भी कोरोना महामारी के चलते निगम कमिश्नर के साथ एक बैठक हुई मात्र, और अभी विगत करीब 4 माह से जो कर्मचारी बंद हैं, किसी कारणवश एक दिन कार्य पर नहीं गए, उनको बंद कर दिया गया था। ऐसी महामारी में वेतन के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है, और आदमी के खाने के लाले पड़े हुए हैं, और कर्मचारी अगर बंद रहता है तो ये यूनियनों की जवाबदारी है कि उनको वापस पुनः कार्य पर चलवाएँ। तो जो सफाई कामगार वर्ग है, जिन्होंने कोरोना महामारी के अंदर भी अपनी जान दांव पर लगाकर नगर निगम की साख को बचाए रखा, और इंदौर में सफाई व्यवस्था जिस प्रकार से पूर्ववत थी, अभी भी सफाई व्यवस्था उसी प्रकार से चल रही है, क्योंकि नगर निगम वेतन पूरा देता तो काम भी पूरा करेंगे, लेकिन किसी परिस्थिति के कारण अगर एक दिन काम पर नहीं आ सका, ऐसे कर्मचारी को जिनको बंद कर दिया है, उनको आज हम मांग रखी है कि इन कर्मचारियों को बहाल किया जाए। इसी के साथ अनुकंपा नियुक्ति, अगर किसी की डेथ हो जाती है घर में कर्मचारी की, तो उसके पुत्र पुत्री को नौकरी मिलने में बड़ी कठिनाई हो रही, परेशानी आ रही। विनियमित कर्मचारी जिनके घर में है तो उनको नौकरी नहीं दी जा रही। इसमें नियमों में सरलीकरण, और सफाई कामगार महिला, अभी ऐसी परिस्थिति थी कि गाड़ियाँ भी नहीं चल रही थी मैजिक वगैरह, उसके बावजूद 5-5, 6-6 किलोमीटर पैदल चलकर हमारी महिला सफाई कामगारों ने अपना कार्य का निर्वहन किया है। तो महिला सफाई कर्मचारियों के लिए 3 किलोमीटर क्षेत्र के दायरे में उनका कार्य क्षेत्र नया दिया जाए, आवंटन किया जाए, ऐसी मांग रखी गई। और गोगा नवमी का त्यौहार नज़दीक है, सफाई कामगारों की बस्तियों में विद्युत व्यवस्था और जो सड़कें टूटी फूटी है उनको वापस से नव निर्माण करा जाए, ऐसी मांगे हैं। और साथ ही गोगा नवमी पर्व मनाने के लिए पूर्व की तरह 10,000 स्थायी कर्मचारी और मस्टर एवं अतिरिक्त कर्मचारियों को 5,000 रुपये दिए जाने की मांग हमारे 6 संगठनों के माध्यम से दी जा रही है। सर, ये कोरोना महामारी के अंदर भी कुछ कर्मचारियों की मौत हुई है? जिन कर्मचारियों की मौत हुई थी, तो धन्यवाद है हमारे इंदौर कलेक्टर माननीय मनीष सिंह जी को, निगम कमिश्नर माननीय प्रतिभा पाल जी को, जिन्होंने हमारी एक कर्मचारी की डेथ हुई, शकुन भाई श्यामलाल, एक सप्ताह के अंदर अंदर उसके परिवार को 50,00,000 की राशि ट्रांसफ़र कर दी गई, और मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी अभी पिछले दिनों इंदौर आए थे, तो उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी का भी उन्होंने आश्वासन दिया है। तो निगम कर्मचारी संगठन सभी उनका अभिनंदन करते हैं, ऐसी पहल के कर्मचारी हित में काम हो, वो कर्मचारी नगर निगम के हित में करते हैं, तो प्रशासन को भी कर्मचारी हित में काम करना पड़ेगा। सफाई कामगार आपसे मिलना है तो क्या मुख्य मांग है? एसोसिएशन हमारे यहाँ विभिन्न वरिष्ठ प्रतिनिधियों के द्वारा जो हमारे से एक सहयोगात्मक परिचर्चा की गई है, उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं जो सफाई कर्मचारियों के लिखे हैं, और उन सभी पर सौहार्दपूर्ण वार्ता रही है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी नियमानुसार में तत्काल कार्रवाई की जा सके वो आयुक्त महोदय से निर्देश प्राप्त करेंगे। श्रीवास्तव पर है।